पांच संकेत बद्धता किसी अक्षर शब्द वाक्य को किसी सांकेतिक भाषा में लिखने की प्रक्रिया को संकेत बद्धता संकेतन कूट लेखन कूटीकरण कूटन कोडिंग कहते हैं तथा किसी सांकेतिक भाषा में लिखे अक्षर शब्द या वाक्य को उसके मूल या वास्तविक अर्थ में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को विसंकेत बद्धता विसंकेतन कूट वचन अकूटीकरण या अवकूटन या डिकोडिंग कहते हैं। एडी लाल के अनुसार किसी अर्थपूर्ण शब्द या वाक्य को एक विशेष नियमानुसार अर्थविहीन शब्द या वाक्य में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कूट लेखन या कोडिंग तथा किसी अर्थविहीन शब्द या वाक्य को एक विशेष नियमानुसार अर्थपूर्ण शब्द या वाक्य में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कूट वाचन या डिकोडिंग कहते हैं। कूट लेखन एवं कूट वाचन का प्रयोग गुप्त सूचनाओं के आदान प्रदान में किया जाता है। गुप्त सूचनाओं को कूट लेखन कर भेजते समय सूचना भेजने वाला अर्थात प्रेषक हमेशा इस बात को ध्यान में रखता है कि कूट लेखन में दी गई गुप्त सूचना सूचना पाने वाले के पास सुरक्षित पहुंच जाए और उसे वो आसानी से समझ ले। उपरोक्त तथ्यों से ये स्पष्ट होता है कि इस तरह की जांच का मुख्य उद्देश्य अभ्यर्थी के कूट लेखन करने की योग्यता तथा कूट लेखन को कूट वाचन करके उसके वास्तविक अर्थ को समझने की योग्यता की जांच करना होता है। इससे ये स्पष्ट होता है कि अभ्यर्थी को कूट लेखन की प्रक्रिया का भलीभांति ज्ञान होना आवश्यक है। सामान्यतः कूट लेखन अंग्रेजी वर्णमाला तथा उनकी संगत संख्याओं पर आधारित होता है। अंग्रेजी वर्णमाला तथा संख्याओं का प्रयोग अंग्रेजी वर्णमाला में स्थित अक्षरों की स्थिति के सापेक्ष किया जाता है, जिसके लिए वर्णमाला क्रम में अक्षरों की स्थिति का ज्ञान होना अति आवश्यक है। अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित विस्तृत चर्चा अंग्रेजी वर्णमाला अध्याय में की गई है। यहाँ केवल उसकी संक्षिप्त चर्चा ही की जा रही है। अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं। एक, अक्षरों की वर्णमाला क्रम में स्थिति। अंग्रेजी भाषा में कुल 26 अक्षर या वर्ण होते हैं। अक्षर ए से जेड तक के सुव्यवस्थित अक्षर समूह को अंग्रेजी वर्णमाला कहते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक अक्षर का अपना एक निश्चित क्रमांक होता है, जिसे उस अक्षर की संगत संख्या कहते हैं। जैसे ए की संगत संख्या 1, बी की संगत संख्या 2, सी की संगत संख्या 3, डी की संगत संख्या 4 तथा इसी प्रकार जेड की संगत संख्या 26 है। अर्थात अंग्रेजी अक्षर ए की संगत संख्या 1, बी की 2, सी की 3, डी की 4, ई की 5, एफ की 6, जी की 7, एच की 8, आई की 9, जे की 10, के की 11, एल की 12 तथा एम की 13 संगत संख्या है। इसी प्रकार एन की संगत संख्या 14, ओ की 15, पी की 16, क्यू की 17, आर की 18, एस की 19, टी की 20, यू की 21, वी की 22, डब्ल्यू की 23, एक्स की 24, वाई की 25 तथा जेड की संगत संख्या 26 है। दो, अक्षरों का सीधा क्रम। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों का बाएं से दाएं का क्रम सीधा क्रम कहलाता है। अक्षरों का सीधा क्रम इस प्रकार होता है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस डी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इनकी संगत संख्याएं भी क्रमशः 1 से 26 इसी प्रकार होती हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के सीधे क्रम में स्थित अक्षरों की संगत संख्याओं को इजोटी सूत्र द्वारा आसानी से स्मरण में रखा जा सकता है, जहां ई 5वां अक्षर, जे 10वां अक्षर, ओ 15वां अक्षर, टी 20वां अक्षर तथा वाई 25वां अक्षर होता है। अर्थात ई की संगत संख्या 5, 5 प्लस 5 10, 10वें क्रम पर आता है जे, जे की संगत संख्या 10 होती है, 10 प्लस 5 15वें क्रम पर आता है ओ, ओ की संगत संख्या 15 होती है, 15 प्लस 5 20, 20वें स्थान पर आता है टी, टी की संगत संख्या है 20, 20 प्लस 5 25, 25वें क्रम पर वर्णमाला में वाई आता है, अतः वाई की संगत संख्या है 25। इस प्रकार इजोटी सूत्र से इसे आसानी से स्मरण रखा जा सकता है। इजोटी अक्षर समूह के प्रत्येक अक्षर के बीच 4 अक्षरों का अंतर होता है। अंग्रेजी वर्णमाला के सीधे क्रम में स्थित अक्षरों की संगत संख्या को क्वी लोरक्स अर्थात सी एफ आई एल
ORUX सूत्र द्वारा भी आसानी से स्मरण में रखा जा सकता है, जहां C तीसरा अक्षर, F छठा अक्षर, I नवा अक्षर, L बारहवा अक्षर, O पंद्रहवा अक्षर, R अठारहवा अक्षर, U 21वां अक्षर तथा X 24वां अक्षर होता है। अर्थात C तीसरा, 3 + 3 6, F छठा अक्षर, 6 + 3 I नवा अक्षर, 9 + 3 L बारहवा अक्षर, 12 + 3 O पंद्रहवा अक्षर, 15 + 3 R अठारहवा अक्षर, 18 + 3 U 21वां अक्षर, 21 + 3 X 24वां अक्षर। इस प्रकार फिलोरक्स अक्षर समूह के प्रत्येक अक्षर के बीच दो अक्षरों का अंतर होता है। अंग्रेजी वर्णमाला के सीधे क्रम में स्थित अक्षर की संगत संख्याओं को पांचों स्वर अक्षरों ए ई आई ओ यू के द्वारा भी आसानी से स्मरण में रखा जा सकता है, जहां ए पहला अक्षर, ई पांचवा अक्षर, आई नवा अक्षर, ओ पंद्रहवा अक्षर तथा यू 21वां अक्षर होता है। अर्थात ए पहला +4, पांचवा अक्षर ई, 5 + 4 नवा अक्षर आई, 9 + 6 ओ पंद्रहवा अक्षर, 15 + 6 यू 21वां अक्षर। ए ई आई ओ यू अक्षर समूह के ए तथा ई और ई तथा आई के बीच तीन अक्षरों और आई तथा ओ तथा यू के बीच पांच अक्षरों का अंतर होता है। पृष्ठ 121। अक्षरों का विपरीत क्रम। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों का दाएं से बाएं क्रम विपरीत क्रम या उल्टा क्रम कहलाता है। अक्षरों का विपरीत क्रम निम्नवत होता है। अंग्रेजी अक्षर Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A। विपरीत क्रम में Z का क्रमांक 1, Y का 2, X का 3, W का 4, V का 5, U का 6, T का 7, S का 8, R का 9, Q का 10, P का 11, O का 12, N का 13। इसी प्रकार M का विपरीत क्रम 14, L का 15, K का 16, J का 17, I का 18, H का 19, G का 20, F का 21, E का 22, D का 23, C का 24, B का 25 और A का 26 है। अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में स्थित अक्षरों की संगत संख्याओं को बकल कव BGLQV सूत्र द्वारा आसानी से स्मरण में रखा जा सकता है, जहां B 25वां अक्षर, G 20वां अक्षर, L 15वां अक्षर, Q 10वां अक्षर तथा V 5वां अक्षर होता है। अर्थात बगल कव अक्षर समूह के प्रत्येक अक्षर के बीच चार अक्षरों का अंतर होता है। अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में स्थित अक्षरों की संगत संख्याओं को पांचों स्वर अक्षरों ए ई आई ओ यू के द्वारा भी आसानी से स्मरण में रखा जा सकता है, जहां ए 20वां अक्षर, ई 22वां अक्षर, आई 18वां अक्षर, ओ 12वां अक्षर तथा यू छठा अक्षर होता है। अर्थात ए ई आई ओ यू अक्षर समूह के ए व ई तथा ई व आई के बीच तीन अक्षरों तथा आई व ओ और ओ व यू के बीच पांच अक्षरों का अंतर होता है। अक्षरों के विपरीत अक्षर। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं। वर्णमाला क्रम में प्रारंभ से पहला अक्षर ए, दूसरा अक्षर बी, तीसरा अक्षर सी होता है और वर्णमाला क्रम में अंत से पहला अक्षर जेड, दूसरा अक्षर वाई, तीसरा अक्षर एक्स, क्रमशः इसी प्रकार होता है। अर्थात अक्षर ए की प्रारंभ से संगत संख्या 1 तथा अंत से संगत संख्या 26 है, अक्षर बी की प्रारंभ से संगत संख्या 2, अंत से 25, सी की प्रारंभ से संगत संख्या 3, अंत से 24, डी की प्रारंभ से संगत संख्या 4, अंत से 23, ई की प्रारंभ से संगत संख्या 5, अंत से 22, एफ की प्रारंभ से संगत संख्या 6, अंत से 21, जी की प्रारंभ से संगत संख्या 7, अंत से 20, एच की प्रारंभ से संगत संख्या 8, अंत से 19, जे की प्रारंभ से संगत संख्या 9, अंत से 18, जे की प्रारंभ से संगत संख्या 10, अंत से 17,
के की प्रारंभ से संगत संख्या 11, अंत से संगत संख्या 16, के की प्रारंभ से संगत संख्या 12, अंत से 15, एम की प्रारंभ से संगत संख्या 13 और अंत से 14 है। इसी प्रकार अक्षर एन की प्रारंभ से संगत संख्या 14 और अंत से 13, ओ की प्रारंभ से संगत संख्या 15, अंत से 12, पी की प्रारंभ से संगत संख्या 16, अंत से 11, ओ की प्रारंभ से संगत संख्या 17, अंत से 10, आर की प्रारंभ से संगत संख्या 18, अंत से 9, एस की प्रारंभ से संगत संख्या 19, अंत से 8, टी की प्रारंभ से संगत संख्या 20, अंत से 7, यू की प्रारंभ से संगत संख्या 21, अंत से 6, वी की प्रारंभ से संगत संख्या 22, अंत से 5, डब्ल्यू की प्रारंभ से संगत संख्या 23, अंत से 4, एक्स की प्रारंभ से संगत संख्या 24, अंत से 3, वाई की प्रारंभ से संगत संख्या 25, अंत से 2 और जेड की प्रारंभ से संगत संख्या 26 और अंत से 1 होती है। अतः ये स्पष्ट होता है कि वर्णमाला क्रम में प्रारंभ से पहला अक्षर ए है तो अंत से पहला अक्षर जेड है। इसी प्रकार प्रारंभ से दूसरा अक्षर बी है तो अंत से दूसरा अक्षर वाई है। कहने का अर्थ यह है कि ए और जेड, बी और वाई, सी और एक्स, डी और डब्ल्यू, ई और वी, एफ और यू, जी और टी, एच और एस, आई और आर, जे और क्यू, के और पी, एल और ओ तथा एम और एन आपस में विपरीत अक्षर हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत अक्षरों को यहाँ दर्शाया गया है। ए का विपरीत अक्षर जेड है। ए का प्रारंभ से वर्णक्रम में स्थान पहला और जेड का प्रारंभ से वर्णमाला में स्थान 26 है, दोनों का योग 27 है। इसी प्रकार सभी विपरीत अक्षरों का योग 27 ही होता है। ये कहा जा सकता है कि वर्णमाला क्रम में प्रारंभ से एनवे स्थान पर स्थित अक्षर तथा अंत से एनवे स्थान पर स्थित अक्षर आपस में विपरीत अक्षर होते हैं। 2. अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों के विपरीत अक्षरों के संगत मानों या क्रमांकित मानों का योग हमेशा 27 होता है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के कोई भी दो अक्षर जिनके संगत मानों या क्रमांकित मानों का योग 27 हो जाए तो वे दोनों अक्षर आपस में एक दूसरे के विपरीत अक्षर होते हैं। याद रखने योग्य बात है कि दिए गए अक्षर का क्रमांकित मान प्लस विपरीत अक्षर का क्रमांकित मान बराबर 27, दिए गए अक्षर का क्रमांकित मान बराबर 27 माइनस विपरीत अक्षर का क्रमांकित मान तथा विपरीत अक्षर का क्रमांकित मान बराबर 27 माइनस दिए गए अक्षर का क्रमांकित मान। किसी भी अक्षर का विपरीत अक्षर ज्ञात करने के लिए उस अक्षर की संगत संख्या को 27 में से घटा देते हैं। इसके बाद प्राप्त संख्या के संगत अक्षर को ज्ञात कर लेते हैं। यही अक्षर दिए गए अक्षर का विपरीत अक्षर होता है। जैसे ए का विपरीत अक्षर बराबर 27 माइनस ए बराबर 27 माइनस 1 बराबर 26, 26वें क्रम पर वर्णमाला में आता है जेड। बी का विपरीत अक्षर बराबर 27 माइनस बी बराबर 27 माइनस वर्णमाला में बी का स्थान 2 बराबर 25, वर्णमाला में 25वें क्रम पर आता है वाई। सी का विपरीत अक्षर 27 माइनस सी अर्थात 27 माइनस 3 बराबर 24, 24वें क्रम पर अक्षर आता है एक्स। डी का विपरीत अक्षर बराबर 27 माइनस डी अर्थात 27 माइनस 4 बराबर 23, 23वें क्रम पर अक्षर आता है डब्ल्यू। अतः डी का विपरीत अक्षर हुआ डब्ल्यू। ई का विपरीत अक्षर बराबर 27 माइनस ई बराबर 27 माइनस 5 बराबर 22 बराबर वी। एफ का विपरीत अक्षर बराबर 27 माइनस एफ अर्थात 27 माइनस 6 बराबर 21 अर्थात यू। जी का विपरीत अक्षर बराबर 27 माइनस जी अर्थात 27 माइनस 7 बराबर 20, 20वें क्रम पर अक्षर आता है टी, अतः जी का विपरीत अक्षर टी। एच का विपरीत अक्षर बराबर 27 माइनस एच अर्थात 27 माइनस 8 बराबर 19, 19वें क्रम पर अक्षर आता है एस, अतः एच का विपरीत अक्षर एस। आई का विपरीत अक्षर बराबर 27 माइनस आई अर्थात 27 माइनस 9 बराबर 18, 18 के क्रम पर अक्षर आता है आर। जे का विपरीत अक्षर बराबर 27 माइनस जे बराबर 27 माइनस 10 अर्थात 17, 17वें क्रम पर वर्णमाला में अक्षर आता है क्यू, अतः जे का विपरीत अक्षर क्यू।
के का विपरीत अक्षर बराबर 27 माइनस के अर्थात 27 माइनस 11 बराबर 16। 16वें क्रम पर वर्णमाला में अक्षर आता है पी। उत्तर के का विपरीत अक्षर पी। एल का विपरीत अक्षर बराबर 27 माइनस एल अर्थात 27 माइनस 12 बराबर 15। अतः 15वें स्थान पर अक्षर आता है ओ। एल का विपरीत अक्षर हुआ ओ। एम का विपरीत अक्षर बराबर 27 माइनस एम बराबर 27 माइनस 13 बराबर 14। अतः वर्णमाला में 14वें क्रम पर आता है एन। एम का विपरीत अक्षर हुआ एन। इसी प्रकार एन का विपरीत अक्षर बराबर 27 माइनस एन अर्थात 27 माइनस 14 बराबर 13। 13वें क्रम का अक्षर एम। अतः एन का विपरीत अक्षर एम हुआ। और ओ का विपरीत अक्षर बराबर 27 माइनस ओ अर्थात 27 माइनस 15 बराबर 12। अर्थात 12वें क्रम पर आने वाला अक्षर एल ओ का विपरीत अक्षर हुआ। जेड का विपरीत अक्षर बराबर 27 माइनस जेड बराबर 27 माइनस 26 बराबर 1 अर्थात ए। इसी प्रकार सभी अक्षरों के विपरीत अक्षर इस सूत्र के द्वारा निकाले जा सकते हैं। पृष्ठ 122। अक्षरों की क्रम व्यवस्था। अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को निम्न दो व्यवस्थाओं में दर्शाया जा सकता है। एक रेखीय क्रम व्यवस्था, ए बाएं से दाएं की ओर। इस व्यवस्था में ए से जेड की ओर क्रमशः अक्षर अपनी संगत संख्याओं सहित आगे बढ़ते हैं। बी दाएं से बाएं की ओर। इस व्यवस्था में संगत संख्याएं दाएं से बाएं की ओर अर्थात जेड से ए की ओर अपनी संगत संख्या सहित चलती हैं। दो वृत्तीय क्रम व्यवस्था। ए घड़ी की सुइयों के चलने की दिशा में या दक्षिणावर्त घूर्णन। इस व्यवस्था में ए से जेड की ओर घूर्णन क्रमशः घड़ी की सुइयों की दिशा में होता है संगत संख्याओं सहित। बी घड़ी की सुइयों के चलने के विपरीत दिशा में या वामावर्त घूर्णन। इस व्यवस्था में अक्षर अपनी संगत संख्याओं सहित घड़ी के चलने के विपरीत दिशा में घूमते हैं। यदि ए अक्षर से एक आगे का अक्षर ज्ञात करना हो तो वो अक्षर बी होगा। ये परिणाम अक्षरों की रेखीय क्रम व्यवस्था से भी प्राप्त होगा, परंतु ए अक्षर से एक पीछे का अक्षर ज्ञात करना हो तो इसका परिणाम अक्षरों की रेखीय क्रम व्यवस्था से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब यदि अक्षरों की वृत्तीय क्रम व्यवस्था पर ध्यान दिया जाए तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि ए अक्षर से एक पीछे का अक्षर जेड होगा। इसी प्रकार यदि जेड से एक आगे का अक्षर ज्ञात करना हो तो इसका परिणाम अक्षरों की रेखीय क्रम व्यवस्था से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब यदि पुनः अक्षरों की वृत्तीय क्रम व्यवस्था पर ध्यान दिया जाए तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि जेड अक्षर से एक अक्षर का अंतर ए होगा। उपरोक्त बातों से ये स्पष्ट होता है कि आगे के लिए योग तथा पीछे के लिए घटाव का प्रयोग किया गया है। जैसे ए प्लस वन अर्थात 1 प्लस 1 बराबर 2 दूसरे स्थान पर आने वाला अक्षर बी। बी प्लस 2 बराबर 2 प्लस 2 बराबर 4 अर्थात चौथे स्थान पर आने वाला अक्षर डी। डी प्लस 3 अर्थात 4 प्लस 3 बराबर 7 अर्थात सातवें क्रम पर आने वाला अक्षर जी। जी प्लस 4 बराबर 7 प्लस 4 बराबर 11 अर्थात 11वें क्रम पर आने वाला अक्षर के। के प्लस 5 अर्थात 11 प्लस 5 बराबर 16 अर्थात 16वें क्रम पर आने वाला अक्षर P। इसी प्रकार A माइनस 1 अर्थात 1 माइनस 1 प्लस 26 बराबर 26 अर्थात 26वां अक्षर Z। Z माइनस 2 अर्थात 26 माइनस 2 बराबर 24 अर्थात 24वें क्रम पर आने वाला अक्षर X। X माइनस 3 अर्थात 24 माइनस 3 बराबर 21 21वें क्रम पर आने वाला अक्षर U। U माइनस 4 अर्थात 21 माइनस 4 बराबर 17 17वें क्रम पर आने वाला अक्षर Q। Q माइनस 5 बराबर 17 माइनस 5 अर्थात 12 12वें क्रम पर आने वाला अक्षर L। इसी प्रकार अन्य अक्षर भी निकाले जा सकते हैं। 6 आगे या पीछे का अक्षर ज्ञात करना। अंग्रेजी वर्णमाला में किसी अक्षर से कुछ पद आगे अथवा पीछे का अंतर निम्न प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। ए यदि किसी प्रकार अक्षर से आगे अथवा पीछे के अक्षर को ज्ञात करना हो तो वर्णमाला के अक्षरों को सीधी रेखा में लिखकर उक्त अक्षर को दिए गए अक्षर की संगत संख्या में आगे अथवा पीछे जाने वाली संख्या को जोड़कर या घटाकर प्राप्त किया जा सकता है।
उदाहरण के लिए v प्लस वन बराबर 22 प्लस वन अर्थात 23 बराबर w। इसी प्रकार v माइनस वन अर्थात 22 माइनस वन बराबर 21। 21वें क्रम पर आने वाला अक्षर u, i प्लस दो बराबर 9 प्लस दो बराबर 11 अर्थात 11वें क्रम पर आने वाला अक्षर k। इसी प्रकार i माइनस दो अर्थात 9 माइनस दो बराबर 7। 7वें क्रम पर आने वाला अक्षर g, a प्लस दो अर्थात 1 प्लस दो बराबर 3 बराबर c, a माइनस जीरो बराबर 1 माइनस शून्य बराबर 1 अर्थात a। इसी प्रकार y प्लस वन बराबर 25 प्लस वन बराबर 26। 26वें क्रम पर आने वाला अक्षर z, इसी प्रकार y माइनस तीन अर्थात 25 माइनस तीन बराबर 22। 22वें क्रम पर आने वाला अक्षर बराबर v। उपरोक्त नियम केवल उन्हीं अक्षरों पर लागू होता है जो वर्णमाला के रेखीय क्रम व्यवस्था से संबद्ध हो। यदि a माइनस वन तथा z प्लस वन जैसी स्थितियां उत्पन्न हो जाएं, तो ये नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि ये स्थितियां वर्णमाला के रेखीय क्रम व्यवस्था से संबद्ध नहीं है, अर्थात ये वर्णमाला के सीधे चक्र से संबद्ध नहीं है। a माइनस वन की स्थिति में a से z तक उल्टे क्रम में जाना पड़ेगा तथा z प्लस वन की स्थिति में z से भी आगे बढ़कर a तक आना पड़ेगा। b, यदि किसी अक्षर से आगे का अक्षर इस प्रकार ज्ञात करना हो कि सीधे क्रम में z को पार करते हुए a तक या उससे भी आगे जाना पड़े, तो दिए गए अक्षर की संगत संख्या में आगे जाने वाली संख्या जोड़ देते हैं और अंत में इस योगफल में से 26 घटा देते हैं। इस प्रकार प्राप्त संख्या का संगत अक्षर क्रम ही वो अक्षर होता है। उदाहरण के लिए x प्लस तीन अर्थात 24 प्लस तीन बराबर 27। वर्णमाला में तो 26 ही अक्षर हैं, इसलिए 26 प्लस वन बराबर 27 होता है, तो 27वें क्रम पर आने वाला अक्षर होगा पहले क्रम पर आने वाला अक्षर बराबर a। इसी प्रकार y प्लस पांच अर्थात 25 प्लस पांच बराबर 30, परंतु वर्णमाला में तो 26 ही अक्षर हैं, 26 प्लस 4 30 होते हैं, अतः चौथे क्रम पर आने वाला अक्षर d ये अक्षर होगा। इसी प्रकार z प्लस 7 पूछा जाए तो z प्लस 7 अर्थात 26 प्लस 7 बराबर 33। वर्णमाला में तो 26 ही अक्षर होते हैं, अतः 26 प्लस 7 बराबर 33, तो सातवें क्रम पर आने वाला अक्षर बराबर g। इसी प्रकार कोई भी अक्षर निकाला जा सकता है। c, यदि किसी अक्षर से पीछे का अक्षर इस प्रकार ज्ञात करना हो तो सीधे क्रम में a को पार करते हुए z तक या उससे भी पीछे जाना पड़े, तो दिए गए अक्षर की संगत संख्या में पीछे जाने वाली संख्या को घटा देते हैं और अंत में इसमें 26 जोड़ देते हैं। इस प्रकार प्राप्त संख्या का संगत अक्षर क्रम ही वो अक्षर होता है। उदाहरण के लिए a माइनस तीन बराबर 1 माइनस तीन बराबर माइनस दो अर्थात माइनस दो प्लस 26 बराबर 24, तो 24वें क्रम पर आने वाला अक्षर x है, अतः उत्तर है x। b माइनस पांच अर्थात 2 माइनस पांच बराबर माइनस तीन, इसलिए माइनस तीन प्लस 26 बराबर 23। 23वें क्रम पर आने वाला अक्षर है w, अतः उत्तर है w। c माइनस सात बराबर 3 माइनस सात बराबर माइनस चार, माइनस चार प्लस 26 बराबर 22, 22वें क्रम पर आने वाला अक्षर v। इस प्रकार अन्य अक्षर भी निकाले जा सकते हैं। आपको सलाह दी जाती है कि किसी भी अक्षर के आगे या पीछे का अक्षर ज्ञात करना हो तो अक्षरों की वृत्तीय क्रम व्यवस्था का ही सहारा लें। वृत्त में आसानी से अक्षर को ज्ञात किया जा सकता है, जैसे a माइनस वन z, z माइनस वन y, y माइनस वन x। इसी प्रकार अन्य अक्षर निकाले जा सकते हैं। सात, स्वर अक्षरों का स्थान। अंग्रेजी वर्णमाला में पांच स्वर या वॉवेल अक्षर होते हैं, जो इस प्रकार हैं ए, ई, आई, ओ, यू। स्वर अक्षरों की संगत संख्या इस प्रकार होती है, ए की संगत संख्या 1, ई की 5, आई की 9, ओ की 15 तथा यू की 21। स्वर अक्षरों को स्वर या वॉवेल के आधार पर निरूपित करने पर इनका स्थानीय मान या क्रमांक इस प्रकार होता है, ए का 1, ई का 2, आई का 3, ओ का 4 तथा यू का 5। आपको ये सलाह दी जाती है कि इस अध्याय का प्रत्येक ऐसा प्रश्न जो स्वर या वॉवेल पर आधारित हो को हल करने के लिए स्थानीय क्रमांकों का प्रयोग करें। पृष्ठ 123। प्रश्नों के प्रकार। टाइप 1,
अक्षरों के स्थानों में परिवर्तन के रूप में अक्षरों का कूट लेखन। इसके अंतर्गत अक्षरों का एक समूह दिया होता है जिनके अक्षरों के क्रम को बदलकर कूट भाषा लिखी जाती है। इस प्रकार के कूट लेखन में मूल शब्द या वास्तविक शब्द तथा कूट भाषा के शब्दों के अक्षरों की संख्या तथा प्रकार में पूर्णतः समानता रहती है, परंतु अक्षरों के स्थानों में परिवर्तन रहता है। ये कूट लेखन निम्न प्रकार के हो सकते हैं। ए, जब शब्द के पूरे अक्षर क्रम को उल्टे या विपरीत क्रम में लिखा जाए। उदाहरण के लिए ए बी सी डी ई, जिनकी की संगत संख्याएं क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5 है, का कूट लेखन ई डी सी बी ए या 5, 4, 3, 2, 1 हो सकता है। उदाहरण एक, यदि किसी सांकेतिक भाषा में विजय वी आई जे ए वाई को वाई ए जे आई वी लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में सुधा को कैसे लिखा जाएगा। ए डी एच ए एस यू, बी एस यू ए एच डी, सी ए एच एस यू डी, डी ए एच डी यू एस। उत्तर डी ए एच डी यू एस। व्याख्या, जिस प्रकार विजय में वी पहले, आई दूसरे, जे तीसरे, ए चौथे तथा वाई पांचवें स्थान पर है, इसे लिखा गया है वाई ए जे आई वी, जहां वाई पांचवें, ए चौथे, जे तीसरे, आई दूसरे तथा वाई पहले क्रम पर स्थित है। उसी प्रकार सुधा में एस पहले, यू दूसरे, डी तीसरे, एच चौथे तथा ए पांचवें क्रम पर है, इसे लिखा जाएगा ए एच डी यू एस, जहां ए पांचवें, एच चौथे, डी तीसरे, यू दूसरे तथा एस पहले क्रम पर स्थित है। अर्थात कहने का अर्थ है कि सुधा का विपरीत क्रम होगा ए एच डी यू एस। बी, जब शब्द के अक्षरों को दो भागों में बांटकर पहले या दूसरे या दोनों भागों में उल्टे क्रम में लिखा जाए, या पहले भाग को दूसरे भाग के स्थान पर और दूसरे भाग को पहले भाग के स्थान पर सीधे या उल्टे क्रम में लिखा जाए। ऐसी स्थिति में दो परिस्थितियां हो सकती हैं जो इस प्रकार हैं। एक, जब शब्द के अक्षरों की संख्या सम हो। उदाहरण के लिए ए बी सी डी ई एफ में संगत संख्याएं क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं। इनका कूट लेखन कई प्रकार से हो सकता है, जैसे ए बी सी और एफ ई डी, 1, 2, 3, 6, 5, 4। दो, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं सी बी ए डी ई एफ, 3, 2, 1, 4, 5, 6। तीन, सी बी ए एफ ई डी, 3, 2, 1, 6, 5, 4। या डी ई एफ ए बी सी, 4, 5, 6, 1, 2, 3। या डी ई एफ सी बी ए, 4, 5, 6, 3, 2, 1। या एफ ई डी ए बी सी, 6, 5, 4, 1, 2, 3। अर्थात इनमें से किसी भी अवस्था में इन्हें लिखा जा सकता है। पृष्ठ 124। उदाहरण दो, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पब्लिक पी यू बी एल आई सी को एल आई सी पी यू बी लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में ट्रॉफी को कैसे लिखा जाएगा। ट्रॉफी की स्पेलिंग है टी आर ओ पी एच वाई। ए पी एच वाई टी आर ओ, बी पी एच टी वाई आर ओ, सी पी एच वाई टी ओ आर, डी ओ आर टी पी एच वाई। उत्तर ए पी एच वाई टी आर ओ। व्याख्या, जिस प्रकार पब्लिक में पी पहले स्थान पर, यू दूसरे, बी तीसरे, एल चौथे, आई पांचवें तथा सी छठे क्रम पर है, इसे लिखा गया है एल आई सी पी यू बी, जिसमें एल चौथे, आई पांचवें, सी छठे, पी पहले, यू दूसरे तथा बी तीसरे क्रम पर है। उसी प्रकार शब्द ट्रॉफी में टी पहले, आर दूसरे, ओ तीसरे, पी चौथे, एच पांचवें तथा वाई छठे क्रम पर स्थित है, इसे लिखा जाएगा पी एच वाई टी आर ओ, जहां पी चौथे, एच पांचवें, वाई छठे, टी पहले, आर दूसरे तथा ओ तीसरे क्रम पर है। अतः ट्रॉफी को लिखा जाएगा पी एच वाई टी आर ओ। दो, जब शब्द के अक्षरों की संख्या विषम हो, जैसे ए बी सी डी ई, यहाँ क्रमशः संगत संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 है। इनका कूट लेखन इस प्रकार हो सकता है, एक ए बी सी ई डी, 1, 2, 3, 5, 4, बी ए सी ई डी, 2, 1, 3, 5, 4, बी ए सी डी ई, 2, 1, 3, 4, 5, डी ई सी ए बी, 4, 5, 3, 1, 2, ई डी सी ए बी, 5, 4, 3, 1, 2, डी ई सी बी ए,
4532 1। उदाहरण 3, यदि किसी सांकेतिक भाषा में RIGHT राइट को IRGTH लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में BIRTH बर्थ को कैसे लिखा जाएगा? ए IBHRT, बी IBRHT, सी RIBTH, डी THRIB। उत्तर बी IBRHT। व्याख्या, जिस प्रकार RIGHT में R पहले स्थान पर, I दूसरे, G तीसरे, एच चौथे तथा टी पांचवे स्थान पर है, इसे लिखा जाता है IRGTH। यहाँ I को सबसे पहले लिखा जाता है जो कि दूसरे क्रम का सदस्य है, उसके बाद R को जो कि पहला सदस्य है, उसके बाद G को लिखा जाता है जो कि तीसरा सदस्य है, T को लिखा जाता है वो पांचवा सदस्य है, और अंत में H लिखा गया है जो कि राइट का चौथा सदस्य है। उसी प्रकार बर्थ BIRTH में B पहले क्रम का, I दूसरे क्रम का, R तीसरे क्रम का, T चौथे क्रम का, H पांचवे क्रम का सदस्य है, इसे लिखा जाना चाहिए IBRHT, जहां I दूसरा, B पहला, R तीसरा, H पांचवा तथा T चौथा सदस्य है। अतः बर्थ लिखा जाएगा IBRHT। 3, जब शब्द के अक्षरों को दो या तीन समूहों में बांटकर सभी या कुछ विशेष समूहों को उल्टे क्रम में लिखा जाए। ए बी सी डी ई का कूट लेखन, जहां ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा, ई पांचवा तथा एफ छठा सदस्य है, इसे लिखा जा सकता है बी ए सी डी ई एफ 2 1 3 4 5 6, बी ए डी सी ई एफ 2 1 4 3 5 6, बी ए डी सी एफ ई 2 1 4 3 6 5। उदाहरण 4, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पब्लिक को PUBLIC को UPLBCI लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में ट्रॉफी TROPHY को कैसे लिखा जाएगा? ए PHYTRO, बी ORTYHP, सी RTPOYH, डी RTPOHY। उत्तर सी RTPOYH। जिस प्रकार पब्लिक PUBLIC में पी पहला, यू दूसरा, बी तीसरा, एल चौथा, आई पांचवा तथा सी छठा सदस्य है, इसे लिखा गया है UPLBCI, जहां यू दूसरा, पी पहला, एल चौथा, बी तीसरा, सी छठवा तथा आई पांचवा सदस्य है। इसी क्रम में ट्रॉफी को लिखा जाएगा RTPOYH, जहां R दूसरा, T पहला, P चौथा, O तीसरा, Y छठा तथा H पांचवा सदस्य है। अतः ट्रॉफी को लिखा जाएगा RTPOYH। 4, जब शब्द के पहले और अंतिम अक्षर को पहले स्थान पर ही रखा जाए तथा मध्य के सभी अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, जैसे A B C D E F का कूट लेखन A E D C B F 1 5 4 3 2 6 किया जा सकता है। उदाहरण 5, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पब्लिक को PILBUC लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में ट्रॉफी को कैसे लिखा जाएगा? ए PHYTRO, बी TROHPY, सी ROPHYT, डी THPORY। उत्तर डी THPORY। जिस प्रकार पब्लिक में पी पहला, यू दूसरा, बी तीसरा, एल चौथा, आई पांचवा, सी छठा सदस्य है, इसे लिखा गया है PILBUC, जहां पी पहला, आई पांचवा, एल चौथा, बी तीसरा, यू दूसरा तथा सी छठा सदस्य है। इसी प्रकार ट्रॉफी को लिखा जाएगा THPORY, क्योंकि टी पहला, एच पांचवा, पी चौथा, ओ तीसरा, आर दूसरा तथा वाई छठा सदस्य है। ट्रॉफी लिखा जाएगा THPORY। 5, जब शब्द के प्रत्येक अक्षर को एक निश्चित स्थान पर लिखा जाए, जैसे ए बी सी डी ई का कूट लेखन किया जा सकता है बी डी ए ई सी अर्थात 2 4 1 5 3, डी बी सी ई ए अर्थात 4 2 3 5 1, सी डी ए ई बी अर्थात 3 4 1 5 2, बी ई सी ए डी अर्थात 2 5 3 1 4। उदाहरण 6,
यदि किसी सांकेतिक भाषा में राइट को जी एच आर टी आई लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में बर्थ बी आई आर टी एच को कैसे लिखा जाएगा? ए टी आई आर बी एच, बी आर आई टी बी एच, सी आर टी बी आई एच, डी आर टी बी एच आई। उत्तर डी आर टी बी एच आई। व्याख्या, जिस प्रकार राइट में आर पहला, आई दूसरा, जी तीसरा, एच चौथा तथा टी पांचवा सदस्य है, इसे लिखा गया है जी एच आर टी आई, जहां जी तीसरा, एच चौथा, आर पहला, टी पांचवा, आई दूसरा सदस्य है। उसी प्रकार बर्थ को लिखा जाएगा इसी क्रम में आर टी बी एच आई, जहां आर तीसरा, टी चौथा, बी पहला, एच पांचवा तथा आई बर्थ का दूसरा सदस्य है। अतः बर्थ को लिखा जाएगा आर टी बी एच आई। टाइप दो, अन्य अक्षरों के रूप में अक्षरों का कूट लेखन। इसके अंतर्गत अक्षरों का एक समूह दिया होता है जिसका कूट लेखन अथवा कूट वाचन अन्य अक्षरों के रूप में होता है। इन दोनों समूहों के बीच कुछ संबंध होता है जिसका आपको पता लगाना होता है। इसी संबंध के आधार पर दूसरे समूह के अक्षर समूहों का कूट लेखन या कूट वाचन ज्ञात करना होता है। ये कूट लेखन निम्न पद्धति पर आधारित हो सकता है। ए अग्रगामी क्रम पद्धति। इसके अंतर्गत किसी अक्षर समूह या शब्द के प्रत्येक अक्षर का कूट लेखन अंग्रेजी वर्णमाला के बढ़ते क्रम में किया जाता है। जैसे ABCDE का कूट लेखन हो सकता है BCDEF। यहाँ ABCDE में A पहला, B दूसरा, C तीसरा, D चौथा तथा E पांचवा सदस्य है। इसे लिखा गया है BCDEF, जहाँ B दूसरा, C तीसरा, D चौथा, E पांचवा तथा F छठा सदस्य है। अर्थात यहाँ प्रत्येक अक्षर के स्थान पर उससे अगले वाला अक्षर रखा गया है। ABCDE का कूट लेखन FEDCB के रूप में भी किया जा सकता है, FFF FF के रूप में किया जा सकता है और BDF HJ के रूप में भी किया जा सकता है, जहां अक्षरों को उनके बढ़ते क्रम में लिखा गया है। पृष्ठ 125। उदाहरण 7। यदि किसी सांकेतिक भाषा में वॉच को XBUDI लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में क्लॉक CLOCK को कैसे लिखा जाएगा? ए BMNDJ, बी DKPBL, सी BMPBL, डी DMPDL। उत्तर डी DMPDL। व्याख्या, जिस प्रकार वॉच में W वर्णमाला का 23वां सदस्य है, A पहला, T 20वां, C तीसरा तथा H 8वां सदस्य है, इसे लिखा गया है XBUDI, जहां X वर्णमाला का 24वां, B दूसरा, यू 21वां, डी चौथा तथा आई 9वां सदस्य है। यहाँ प्रत्येक अक्षर का एक अगला अक्षर रखा गया है। उसी प्रकार क्लॉक में सी वर्णमाला का तीसरा, एल 12वां, ओ 15वां, सी तीसरा तथा के 11वां सदस्य है, इसे लिखा जाएगा DMPDL, जहाँ डी चौथा, एम वर्णमाला का 13वां, पी 16वां, डी चौथा तथा एल 12वां सदस्य है। प्रत्येक अक्षर का अगला वाला अक्षर यही होगा। क्लॉक लिखी जाएगी DMPDL। बी पश्चगामी क्रम पद्धति। इसके अंतर्गत किसी अक्षर समूह या शब्द के प्रत्येक अक्षर का कूट लेखन अंग्रेजी वर्णमाला के घटते क्रम में किया जाता है। जैसे ABCDE का कूट लेखन किया जा सकता है ZABCD। यहाँ A माइनस 1 अर्थात Z, B माइनस 1 अर्थात A, C माइनस 1 B, D माइनस 1 C तथा E माइनस 1 D होगा। इसी प्रकार ABCDE को लिखा जा सकता है DCBAZ, जहाँ E माइनस 1 D, D माइनस 1 C, C माइनस 1 B, B माइनस 1 A, A माइनस 1 Z। इसी प्रकार ABCD को कूट लेखन में लिखा जा सकता है DBZXV, जहां E माइनस 1 D, D माइनस 2 B, C माइनस 3 Z, B माइनस 4 X तथा A माइनस 5 V होगा।
एबीसीडीई का कूटलेखन झेड 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 भी किया जा सकता है, जहां ए माइनस वन झेड, बी माइनस टू झेड, सी माइनस थ्री झेड, डी माइनस फोर झेड तथा ई माइनस फाइव झेड लिखा गया है। उदाहरण आठ, यदि किसी सांकेतिक भाषा में फ्लॉवर FLOWER को ZGKTCQ लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में नेचर NATURE को कैसे लिखा जाएगा? ए HPVRPD, बी HVPRPD, सी PRDVHP, डी QZNPRS। उत्तर बी HVPRPD। व्याख्या, जिस प्रकार फ्लॉवर में F वर्णमाला का छठा, L 12वां, O 15वां, W 23वां, E 5वां तथा R 18वां सदस्य है, इसे ZGKTCQ लिखा गया है, जहां Z वर्णमाला का 26वां, G 7वां, K 11वां, T 20वां, C 3रा तथा Q 17वां सदस्य है। F के स्थान पर लिखा गया है Z, F माइनस 6, Z, L माइनस 5, G, O माइनस 4, K, W माइनस 3, T, E माइनस 2, C तथा R माइनस 1, Q लिखा गया है। उसी प्रकार नेचर में NATURE, N 14वां, A क्रमशः पहला, T 20वां, U 21वां, R 18वां तथा E वर्णमाला का 5वां सदस्य है। इसे लिखा जाएगा HVPRPD, जहां H 8वां, V 22वां, P 16वां, R 18वां, P 16वां तथा D 4था सदस्य है। यहां भी N-6, H, A-5, V, T-4, P, U-3, R, R-2, P और E-1, D है। अतः नेचर को लिखा जाएगा HVPRPD। सी अग्रगामी एवं पश्चगामी मिश्रित क्रम पद्धति, इसके अंतर्गत किसी अक्षर समूह या शब्द के प्रत्येक अक्षर का कूटलेखन अंग्रेजी वर्णमाला के बढ़ते एवं घटते हुए क्रम में मिश्रित रूप में किया जाता है। जैसे ABCDE का कूटलेखन BADCF लिखा जा सकता है, यहाँ A प्लस 1 B, B माइनस 1 A, C प्लस 1 D, D माइनस 1 C तथा E प्लस 1 F होगा। इसी प्रकार ABCDE को FCDAB, FBFXF तथा BZFZJ लिखा जा सकता है। उदाहरण 9, यदि किसी सांकेतिक भाषा में CIGAR सिगार को DGJWW लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में BETEL बैटल को कैसे लिखा जाएगा? ए CCWAQ, बी CDWAQ, सी CCQAB, डी DCQWA। उत्तर ए CCWAQ। व्याख्या, जिस प्रकार CIGAR, जहां C तीसरा, I वर्णमाला का नवा, G 7वां, A पहला तथा R 18वां सदस्य है, यहां इसे लिखा गया है DGJWW, जो कि वर्णमाला का D 4था, G 7वां, J 10वां, W 23वां तथा W पुनः 23वां सदस्य है। यहां C प्लस 1 D, I माइनस 2 G, G प्लस 3 J, A माइनस 4 W तथा R प्लस 5 W लिखा गया है। उसी प्रकार बैटल में B वर्णमाला का दूसरा, E 5वां, T 20वां, E 5वां तथा L 12वां सदस्य है, इसे लिखा जाएगा B प्लस 1 C, E माइनस 2 C, T प्लस 3 W, E माइनस 4 A तथा L प्लस 5 Q। पृष्ठ 126। टाइप 3, विपरीत अक्षरों के रूप में अक्षरों का कूटलेखन। इसके अंतर्गत किसी अक्षर समूह या शब्द के प्रत्येक अक्षर का कूटलेखन अक्षरों के विपरीत क्रम में किया जाता है। जैसे ABCDE का कूटलेखन हो सकता है ZYXWV, जहां A का विपरीत अक्षर Z, B का विपरीत अक्षर Y, C का विपरीत अक्षर X, D का विपरीत अक्षर W तथा E का विपरीत अक्षर V है। ABCDE को
VWXYZ भी लिखा जा सकता है। यहाँ E का विपरीत अक्षर V, D का विपरीत अक्षर W, C का विपरीत अक्षर X, B का विपरीत अक्षर Y तथा A का विपरीत अक्षर Z है। उदाहरण 10, यदि किसी सांकेतिक भाषा में फिजिक्स PHY CICS को KSBH RXH लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में बायोलॉजी BIOLOGY को कैसे लिखा जाएगा? A XRLOLTB, B YRLOLTB, C XRPOLTB, D YRPOPTB। उत्तर B YRLOLTB। व्याख्या, जिस प्रकार फिजिक्स में P वर्णमाला का 16वां, H 8वां, Y 25वां, S 19वां, I 9वां, C 3रा तथा S 19वां सदस्य है, इसे लिखा गया है KSBHRXH, जहां P का विपरीत अक्षर K, H का विपरीत अक्षर S, Y का विपरीत अक्षर B, S का विपरीत अक्षर H, I का विपरीत अक्षर R, C का विपरीत अक्षर X तथा S का विपरीत अक्षर H है। इसी प्रकार बायोलॉजी में B दूसरा, I 9वां, O 15वां, L वर्णमाला का 12वां, O 15वां, G 7वां तथा Y 25वां सदस्य है। इनके क्रमशः विपरीत अक्षर YRLOLTB हैं। अतः बायोलॉजी के स्थान पर लिखा जाएगा YRLOLTB। टाइप 4, संख्याओं के रूप में अक्षरों का कूट लेखन। इसके अंतर्गत किसी अक्षर समूह या शब्द के प्रत्येक अक्षर का कूट लेखन संख्याओं के रूप में होता है। जैसे लव का कूट लेखन 12, 15, 22 तथा 5 हो सकता है। यहाँ लव वर्णमाला का 12वां, ओ 15वां, वी 22वां, ई 5वां सदस्य है, अतः इसे लिखा गया है 12, 15, 22, 5। लव का कूट लेखन 5, 22, 15 तथा 12 भी हो सकता है। यहाँ इनके वर्णमाला के क्रम को उल्टे विपरीत क्रम में लिखा गया है। लव का कूटलेखन 15, 12, 5, 22 भी कर सकते हैं, जहाँ L का विपरीत अक्षर O, O का विपरीत अक्षर L, V का विपरीत अक्षर 5 तथा E का विपरीत अक्षर V है, जो कि क्रमशः 15, 12, 5 तथा 22वें क्रम के सदस्य हैं वर्णमाला के। लव का कूटलेखन 22, 5, 12 तथा 15 भी किया जा सकता है। यहाँ E का विपरीत अक्षर है V, V का विपरीत अक्षर है E, O का विपरीत अक्षर है L तथा L का विपरीत अक्षर है O, जो कि क्रमशः 22, 5वे, 12वे तथा 15वे वर्णमाला के सदस्य हैं। लव का कूट लेखन 54 भी किया जा सकता है, जहाँ लव के सदस्य L, O, V, E वर्णमाला में क्रमशः 12, 15, 22 तथा 5वे क्रम के सदस्य हैं। इनका टोटल योग 54 होता है, अतः इसे लव को 54 भी लिखा जा सकता है। 9 लिखा जा सकता है। यहाँ 12 प्लस 15 प्लस 22 प्लस 5 बराबर 54 और पुनः 5 प्लस 4 बराबर 9। इसे 13.5 भी लिखा जा सकता है, जहाँ 12 प्लस 15 प्लस 22 प्लस 5 बराबर 54, 54 भाग 4 बराबर 13.5। 216 के रूप में भी लव का कूट लेखन किया जा सकता है। यहाँ 12 प्लस 15 प्लस 22 प्लस 5 बराबर 54, फिर 54 गुणा 4 बराबर 216। लव को कूट लेखन में 3645 भी लिखा जा सकता है, जहाँ L क्रमशः 12वां, O 15वां, V 22वां तथा E 5वां सदस्य है वर्णमाला का। 12 बराबर होते हैं 2 प्लस 1 3, 15 बराबर होते हैं 5 प्लस 1 6, 22 बराबर होते हैं 2 प्लस 2 4 तथा 5। इस तरह इसे लिखा जा सकता है 3, 6, 4, 5। लव को 19,800 भी लिखा जा सकता है, जहां 12 गुणा 15 गुणा 22 गुणा 5 बराबर 19,800। लव को 4,950 भी लिखा जा सकता है। यहां 12 गुणा 15 गुणा 22 गुणा 5 बराबर 19,800, पुनः 19,800 भाग 4 अक्षरों की संख्या बराबर 4,950। पृष्ठ 127। उदाहरण 11, यदि किसी सांकेतिक भाषा में सीएटी कैट को 24 लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में डीओजी डॉग को कैसे लिखा जाएगा?
24, बी 25, सी 26, डी 27। उत्तर सी 26। व्याख्या, जिस प्रकार सीएटी में सी वर्णमाला का तीसरा, ए पहला, टी 20वां सदस्य है, यहां इसे लिखा गया है 3 + 1 + 20 अर्थात 24। उसी प्रकार डीओजी, जिसमें डी चौथा, ओ 15वां तथा जी 7वां सदस्य है, इसे लिखा जा सकता है 4 + 15 + 7 = 26। अतः डॉग का कूट लेखन हो सकता है 26। टाइप 5, समानता के आधार पर अक्षरों का कूट लेखन। इसके अंतर्गत किसी अक्षर समूह या शब्द के प्रत्येक अक्षर का कूट लेखन दो या दो से अधिक दिए गए कूटों की समानता के आधार पर किया जाता है। उदाहरण 12, यदि किसी सांकेतिक भाषा में FIRE फायर को 2357 तथा MEAL मील को 8794 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में FEAR फियर को कैसे लिखा जाएगा? ए 9572, बी 2795, सी 9485, डी 9723। उत्तर बी 2795। व्याख्या, जिस प्रकार FIRE फायर को 2357 लिखा गया है, यहाँ इसका अर्थ है कि F को 2, I को 3, R को 5 तथा E को 7 लिखा गया है। इसी प्रकार MEAL में M को 8, E को 7, A को 9 तथा L को 4 लिखा गया है। उसी प्रकार FEAR में F को 2, E को 7, A को 9 तथा R को 5 लिखा जाएगा, अतः फियर के स्थान पर लिखा जाएगा 2795। उत्तर बी। टाइप 6, अक्षरों एवं संख्याओं के रूप में अक्षरों का कूट लेखन। इसके अंतर्गत किसी अक्षर समूह या शब्द के प्रत्येक अक्षर का कूट लेखन अक्षरों एवं संख्याओं के रूप में किया जाता है। उदाहरण 13, यदि किसी सांकेतिक भाषा में लव को 13P23F लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में लाइफ को कैसे लिखा जाएगा? ए 13L8F, बी 13J7F, सी 13K8F, डी 13H5F। उत्तर बी 13J7F। व्याख्या, जिस प्रकार लव शब्द में एल 12वां, ओ 15वां, वी 22वां तथा ई वर्णमाला का 5वां सदस्य है, इसे लिखा गया है एम 16W6, जहां एल जो कि 12वां सदस्य है प्लस 1 13, 13वां सदस्य है एम, ओ प्लस 1 पी, पी वर्णमाला का 16वां सदस्य है, वी प्लस 1 डब्ल्यू, डब्ल्यू वर्णमाला का 23वां सदस्य है तथा ई प्लस 1 एफ, एफ वर्णमाला का 6ठा सदस्य है। अतः लोवी लव को लिखा गया है एम 16W6। उसी प्रकार लाइफ शब्द में एल 12वां, आई 9वां, एफ वर्णमाला का 6ठा तथा ई 5वां सदस्य है, एल प्लस 1 एम, एम वर्णमाला का 13वां सदस्य है, आई प्लस 1 जे, जे वर्णमाला का 10वां सदस्य है, एफ प्लस 1 जी, जी वर्णमाला का 7वां सदस्य है तथा E प्लस 1 F, F वर्णमाला का 6ठा सदस्य है। अतः लाइफ को लिखा जाएगा 13J7F। उत्तर बी। पृष्ठ 128। टाइप 7, शब्दों या संख्याओं या अक्षरों के रूप में शब्दों का कूट लेखन। इसके अंतर्गत शब्दों का कूट लेखन शब्दों, संख्याओं या अक्षरों के रूप में किया जाता है। किसी निश्चित शब्द के कूट लेखन का अर्थ ज्ञात करने के लिए दिए गए शब्दों के बीच तुलना उनमें उपस्थित सर्वनिष्ठ या कॉमन अवयवों के आधार पर की जाती है। उदाहरण 14, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 987 का अर्थ लव इज लाइफ तथा 876 का अर्थ वाइफ इज लाइफ हो, तो लव के लिए कौन सा अंक प्रयुक्त किया गया है? ए 6, बी 7, सी 8, डी 9। उत्तर डी 9। व्याख्या, 987 में 9 लव के लिए, 8 इट्स के लिए तथा 7 लाइफ के लिए प्रयुक्त किया गया है। उसी तरह 876 में 8 वाइफ के लिए, 7 इट्स के लिए तथा 6 लाइफ के लिए यूज किया गया है। समीकरण 1 से हम देखते हैं कि लव के लिए 9 शब्द यूज किया गया है।
टाइप 8 शब्द प्रतिस्थापन द्वारा कूटलेखन। इसके अंतर्गत शब्दों की एक ऐसी श्रृंखला दी गई होती है जिसका प्रत्येक शब्द किसी अन्य शब्द के रूप में कूटबद्ध होता है। आपको इसी श्रृंखला में से किसी एक शब्द का कूट ज्ञात करना होता है। उदाहरण 15, यदि पीला को लाल, लाल को नीला तथा नीला को हरा, हरा को सफेद और सफेद को काला कहा जाए तो घास का रंग क्या होगा? ए हरा, बी सफेद, सी नीला, डी काला। उत्तर बी सफेद। व्याख्या, हम जानते हैं कि घास का रंग हरा होता है। शब्द श्रृंखला में हरा को सफेद कहा गया है, अतः कूटानुसार घास का रंग सफेद होगा। टाइप 9 तुलना के द्वारा कूटलेखन। इसके अंतर्गत शब्दों के दो स्तंभ दिए गए होते हैं। एक स्तंभ में शब्द तथा दूसरे स्तंभ में कूट दिए होते हैं, परंतु ये कूट शब्दों के क्रम में नहीं होते हैं। शब्दों के गुण धर्म के आधार पर तुलना करके उनके कूट ज्ञात किए जाते हैं। उदाहरण 16, स्तंभ एक में कुछ शब्द दिए गए हैं तथा स्तंभ दो में इनके कूट दिए गए हैं जो शब्दों के क्रम में नहीं हैं। शब्दों के संगत कूट को ज्ञात कीजिए तथा निम्न प्रश्न का उत्तर दीजिए। स्तंभ एक तथा दो इस प्रकार हैं। स्तंभ एक के शब्द हैं सीएटी कैट, लाइफ लाइफ, एसएमएआरटी स्मार्ट, लेटेस्टी लेटेस्ट तथा टर्मिनल टीईआरएमआईएनएल। स्तंभ बी के सदस्य हैं डीईएआर डियर, डीओजी डॉग, एसटीआरएआईएन स्ट्रेन, क्रेडिबल CREDIBLE तथा ट्रेड TRADE। यहाँ स्तंभ समाप्त हुए। प्रश्न है, शब्द स्मार्ट का कूट क्या होगा? ए डॉग, बी डियर, सी ट्रेड, डी स्ट्रेन। उत्तर सी ट्रेड। व्याख्या, स्तंभ एक में पांच अक्षरों का शब्द केवल स्मार्ट SMART है और स्तंभ दो में भी पांच अक्षरों का शब्द केवल ट्रेड ही है TRADE। अतः स्मार्ट का कूट ट्रेड होगा। टाइप 10 सांकेतिक चिन्हों के रूप में अक्षरों का कूट लेखन। इसके अंतर्गत किसी अक्षर समूह या शब्द के प्रत्येक अक्षर का कूट लेखन सांकेतिक चिन्हों के रूप में किया जाता है। उदाहरण 17, निम्न तालिका में किसी सांकेतिक भाषा में अक्षर तथा उनके कूट दिए गए हैं। तालिका इस प्रकार है, अक्षर ए के लिए प्रतीक कोड है फाइ, ई के लिए प्रतीक कोड है डॉलर का चिन्ह, आई के लिए प्रतीक कोड है हश का चिन्ह, ओ के लिए प्रतीक चिन्ह है एट द रेट ऑफ का चिन्ह, यू के लिए प्रतीक कोड है थीटा का चिन्ह, एल के लिए प्रतीक कोड है एंड का शॉर्ट फॉर्म, वी के लिए प्रतीक कोड है परसेंट का या प्रतिशत का चिन्ह। अब प्रश्न पूछा गया है, लिव LIVE शब्द को उस सांकेतिक भाषा में कैसे लिखेंगे? ए एंड डॉलर एट द रेट ऑफ परसेंट, बी एंड हैश स्टार डॉलर, सी एंड हैश परसेंट डॉलर, डी थीटा एट द रेट ऑफ फाइ हैश। उत्तर सी एंड हैश परसेंट डॉलर। दिए गए कोड के अनुसार एल के लिए सांकेतिक या प्रतीक कोड है एंड, आई के लिए हैश, वी के लिए परसेंट तथा ई के लिए डॉलर का चिन्ह प्रतीक कोड के रूप में दिया गया है। अतः लिव के स्थान पर लिखा जाएगा एंड हैश परसेंट डॉलर। टाइप 11 शर्तानुसार कूट लेखन। इसके अंतर्गत अक्षर संख्या या प्रतीक दिए गए होते हैं और इसी के ठीक नीचे कोड दिए गए होते हैं। आपको शर्तानुसार कोड ज्ञात करना होता है। उदाहरण 18, यहाँ अक्षर और उनके संख्या कोड दिए गए हैं, उसके नीचे कुछ शर्तें दी गई हैं। प्रत्येक प्रश्न में अक्षर समूह को कोड बद्ध करते समय इन शर्तों का पालन करना होगा। इन्हें समझिए और दिए गए अक्षर समूह के सही सांख्यिक कोड का पता लगाइए। तालिका इस प्रकार है, अक्षर ए के लिए प्रतीक कोड ए, ई के लिए 2, आई के लिए 3, ओ के लिए 4, यू के लिए प्रतीक कोड 5, एल के लिए 6, एम के लिए 7, पी के लिए 8 तथा एस के लिए 9। शर्तें इस प्रकार हैं, शर्त 1, यदि पहला और अंतिम अक्षर स्वर है तो दोनों को डॉलर के रूप में कोड किया जाएगा।
दो, यदि दूसरा अक्षर स्वर और तीसरा अक्षर व्यंजन है तो एक ही कोट प्रयोग में लाया जाएगा और दोनों को संयुक्त रूप में एंड के चिन्ह के रूप में कोट किया जाएगा। तीन, यदि पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर है तो दोनों को हैश कोट दिया जाएगा। अब प्रश्न है, एप्पल APPLE शब्द को उस सांकेतिक भाषा में कैसे लिखा जाएगा? ए एंड 5 5 6 हैश, बी एंड 8 8 6 डॉलर, सी $8 8 6 डॉलर, डी #8 8 6 हैश। उत्तर सी $8 8 6 डॉलर। व्याख्या, दिए गए शब्द एप्पल में ए के लिए 1, पी के लिए 8, पी के लिए 8, एल के लिए 6 अंक कोड तथा ई के लिए 2 अंक कोड दिया गया है। दी गई शर्त के अनुसार 1 के स्थान पर लिखा जाएगा डॉलर, पी के स्थान पर लिखा जाएगा 8, पी के स्थान पर लिखा जाएगा 8 तथा एल के स्थान पर लिखा जाएगा 6, ई के स्थान पर लिखा जाएगा जो कि स्वर है डॉलर। अतः उत्तर है सी $8 8 6 डॉलर। टाइप 12, अक्षरों का कूट लेखन उसके बाएं तथा दाएं के अक्षरों द्वारा। इसके अंतर्गत किसी अक्षर युग्म या शब्द का कूट लेखन उसके प्रत्येक अक्षर के बाएं व दाएं के अक्षरों के द्वारा किया जाता है। उदाहरण 19, यदि किसी सांकेतिक भाषा में CAT को BDZBSU लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में DOG को कैसे लिखा जाएगा? ए CDNPFH, बी CENPFH, सी CNEPFH, डी CEMPFH। उत्तर बी CENPFH। व्याख्या, जिस प्रकार CAT में C वर्णमाला का तीसरा, A पहला तथा T 20वां सदस्य है, यहाँ C के स्थान पर लिखा गया है BD जो कि C के बाएं तथा दाएं स्थित वर्णमाला के सदस्य हैं। A के स्थान पर लिखा गया है ZB जो कि क्रमशः बाएं तथा दाएं A के सदस्य हैं, तथा T के स्थान पर लिखा गया है SU जो कि T के दाएं तथा बाएं क्रम के सदस्य हैं। उसी प्रकार DOG डॉग, जिसमें D चौथा, O 15वां तथा G 7वां सदस्य है, यहाँ D के स्थान पर लिखा जाएगा CE, C तीसरा, E 5वां सदस्य है, O के स्थान पर लिखा जाएगा NP, O के दाएं तथा बाएं सदस्य हैं N तथा P, तथा G के स्थान पर लिखा जाएगा FH जो कि G के दाएं तथा बाएं स्थित सदस्य हैं। अतः उत्तर होगा B CENPFH। टाइप 13, कूट वाचन। इसके अंतर्गत किसी अक्षर युग्म या शब्द का कूट लेखन शब्दों, संख्याओं, अक्षर युग्मों में किया गया होता है। आपको एक कूटवाचक शब्द, संख्या या अक्षर युग्म दिया गया होता है और उसे वास्तविक या मूल शब्द, अक्षर युग्म, संख्या में कूटवाचन करना होता है। इसके अंतर्गत वही सभी नियम लागू होते हैं जो कूट लेखन के तहत लागू होते हैं। उदाहरण 20, यदि किसी सांकेतिक भाषा में NOBEL नोबेल को QIEQO लिखा जाता है तो उसी भाषा में YLIKS अक्षर समूह किसके लिए लिखा गया है? A राइट RIGHT, बी माइट MIGHT, सी ब्राइट BRIGHT, डी लाइट LIGHT। उत्तर A राइट। व्याख्या, जिस प्रकार नोबेल में N वर्णमाला का 14वां, O 15वां, B दूसरा, E 5वां तथा L 12वां सदस्य है, इसे लिखा गया है QIEQO, जहां Q 17वां, I 9वां, E 5वां, Q 17वां तथा O 15वां सदस्य है, जहां L प्लस 5 Q, E प्लस 4 I, B प्लस 3 E, O प्लस 2 Q तथा N प्लस 1 O है। इसी प्रकार राइट RIGHT में R वर्णमाला का 18वां, I 9वां, G 7वां, H 8वां तथा T 20वां सदस्य है, इसे लिखा जाएगा YLJKS, जहां Y-5 T, L-4 H, J-3 G, K-2 I तथा S-1 R।
अतः राइट का कूट लेखन है YLJKS। यहाँ आप देख रहे हैं कि नोबेल शब्द के दाई ओर के अक्षर से प्रारंभ करते हुए अक्षरों को क्रमशः +5, +4, +3, +2 तथा +1 के क्रम से बढ़ाते हुए QIEQO के रूप में कोडिंग की गई है। अब चूंकि हमें डीकोडिंग करनी थी, अर्थात सांकेतिक कोड YLIKS को अर्थपूर्ण शब्द में बदलना था, इसलिए अब सारी प्रक्रिया कोडिंग के विपरीत की गई है। पृष्ठ 129।